बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट? दिस इज़ योर न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडी फॉर पाकिस्तान, फोर्थ एडिशन फॉर क्लास 3। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 7, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लास 3। ट्रांसपोर्ट मीन्स नकलो हमल। इस चैप्टर में हम डिफरेंट व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एनी मीन्स दैट वी यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। मशीन विच टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन लैंड आर कॉल्ड व्हीकल्स। सम व्हीकल्स आर ड्राइवन फॉरवर्ड बाय इंजन। The engine run on petrol, diesel or CNG. Some vehicle can also run on electricity. कोई भी चीज़ जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मशीन्स जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ज़मीन पर लेकर जाती हैं इन्हें व्हीकल्स कहते हैं। कुछ व्हीकल्स इंजन के ज़रिए चलाए जाते हैं। इन गाड़ियों के इंजन्स पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर चलते हैं। कुछ व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। द कार इज़ अ व्हीकल्स। कार एक व्हीकल है। यू सी कार ऑन द रोड एवरी डे। डू यू नो व्हाट द पार्ट्स ऑफ अ कार आर कॉल्ड। आप रोज़ाना कार को रोड पर देखते हैं, क्या आप जानते हैं कार के पार्ट्स को क्या कहते हैं? ये आप देख सकते हैं इस कार के पार्ट्स की लेबलिंग। फॉर एग्जांपल, रूफ, विंडो स्क्रीन, स्टेयरिंग व्हील, साइड व्यू मिरर, व्हील, बम्पर, हेडलाइट्स, इंजन, बोर्ड्स। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी लेबलिंग। ये एक कार की लेबलिंग है और इसके पार्ट्स के हिस्सों के नेम्स हैं। हेयर आर सम अदर व्हीकल्स विच हैव इंजन। दे ऑल नीड पेट्रोल, डीजल और सीएनजी एंड ऑयल एंड वाटर टू रन। द टायर्स नीड एयर। कैन यू थिंक व्हाई वाटर इज नीडेड एंड वेयर इट इज यूज इन अ व्हीकल। यहाँ कुछ व्हीकल और हैं जिनमें इंजन होते हैं। इन सब को जरूरत होती है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ऑयल और पानी की चलने के लिए या फिर चलाने के लिए। टायर्स को एयर, हवा की जरूरत होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि व्हीकल में पानी की जरूरत क्यों होती है और पानी गाड़ी में क्यों इस्तेमाल होता है? स्टूडेंट, व्हीकल या गाड़ी के पार्ट्स को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। कैन यू नेम द व्हीकल्स इन दीज पिक्चर्स? ओके स्टूडेंट्स, इन पिक्चर्स में रिक्शा, बाइक, जीप, टैंकर, बस एंड ट्रक आप देख सकते हैं। इन सब को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और ऑयल की जरूरत होती है। ये सब इंजन से चलती हैं। सम व्हीकल डू नॉट हैव एन इंजन। दे आर पुल्ड बाय एनिमल्स। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज ऑन द रोड? कैन यू नेम सम मोर? सम व्हीकल नीदर हैव इंजन नॉर आर दे पुल्ड बाय एनिमल। हाउ डू यू थिंक दे मूव? कुछ व्हीकल्स में इंजन नहीं होता, इन्हें एनिमल के जरिए चलाया जाता है। कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिनमें ना तो इंजन होता है और ना ही वो एनिमल के जरिए चलते हैं। ऐसे व्हीकल्स किस तरह चलते हैं आप देख सकते हैं। ये एक बाइसाइकिल है, इसमें दो व्हील हैं, हैंडल है, इसमें इंजन नहीं होता है। इसको चलाने के लिए कोई भी एक आदमी इसे खुद से चलाता है। हेयर आर सम पिक्चर ऑफ कॉमन व्हीकल्स। यहाँ कुछ पिक्चर दी गई हैं जो आप डेली रोड पर देखते हैं। दिस इज अ हॉर्स कैरिज, दिस इज अ टोंगा। ये एक कार्ट होती है जिसके आगे घोड़ा लगा हुआ होता है जिससे ये चलती है, इसे टोंगा कहते हैं। अ हैंड कार्ट जिसे हम रेड़ी कहते हैं। अ बुल्लॉक कार्ट ये आप देख सकते हैं। ट्रेवलिंग बायर इज द फास्टेस्ट वे टू गो एनीवेयर। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर द सी एंड हाई माउंटेन्स। दे कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन द शॉर्टेस्ट टाइम। फॉर ट्रेवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस बाय एयर द हेलीकॉप्टर इज मोस्ट यूजफुल। हेलीकॉप्टर कैन लैंड ऑलमोस्ट एनीवेयर इवन ऑन योर स्कूल
प्लेइंग फील्ड बाहर सफर कहीं भी जाने के लिए सबसे तेज सफर है। एरोप्लेन समंदर के ऊपर से और ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से उड़ता है। एरोप्लेन में बहुत से लोग बहुत लंबा फासला थोड़े वक्त में तय कर सकते हैं। दिनों का सफर हम घंटों में कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर भी हवा में उड़ते हैं, मगर ये थोड़ा फासला तय करते हैं। हेलीकॉप्टर भी बहुत यूजफुल होते हैं। व्हीकल्स दैट ट्रेवल अलोंग द ग्राउंड हैव व्हील्स, ट्रेन हैव व्हील्स टू, बट दे मूव अलोंग ऑन ट्रैक और रेल्स। रेलवे कैरिज आर पुल्ड बाय पावरफुल इंजन्स। द पावर ऑफ दीज इंजन्स कम फ्रॉम डीजल, कोल और इलेक्ट्रिसिटी। हैव यू एवर ट्रेवल बाय ट्रेन इन पाकिस्तान? वी हैव अ रेलवे नेटवर्क दैट लिंक ऑल मेजर टाउन एंड सिटीज। देयर इज ऑल्सो अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड हाईवेज। मैनी पीपल ट्रेवल बाय कार एंड मैनी मोर यूज द बस सर्विस। व्हीकल्स जो ग्राउंड पर चलते हैं उनके व्हील्स होते हैं, ट्रेन के भी व्हील्स होते हैं। ट्रेन ट्रैक पर मूव करती है जिसे रेलवे ट्रैक कहते हैं। ट्रेन पावरफुल इंजन से चलती है और इसे चलाने के लिए डीजल, कोल और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बहुत अच्छा नेटवर्क है रोड और हाईवे का। बहुत से लोग कार और बस सर्विस के जरिए सफर करते हैं। People who travel a long way sometime have to cross the sea, a river or a lake. They can travel by boat or aeroplane. लोग जब लंबा सफर करते हैं तो बाज़ औक़ात उनके रास्ते में समंदर, दरिया या झील आती है, तो इसे क्रॉस करने के लिए वो सफर करते हैं बोट या फिर एरोप्लेन में। There are many kinds of boats. A ferry, for example, carries people and goods product from one bank of a river to the opposite bank. Ships are used to carry large load of goods like grain, wood, machinery, etc. Ships that carry oil are called tankers. They are huge ships which carry thousands of barrels of oil. Goods that are packed in containers are transported in container ships. Boats are also used for sports and adventure. A speed boat move very fast over the water. Fishermen also use boats to go fishing in the lakes, rivers or the sea. Ship have huge engine. Can you see in the picture some boat that have no engine? How do they move? यहाँ बहुत सी किस्म की बोट्स हैं। आ फेरी, एक फेरी लोगों को और सामान को दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। शिप का इस्तेमाल भारी सामान, मशीनरी, लकड़ी वगैरह के लिए होता है। शिप्स जो ऑयल लेकर जाती है, शिप्स जिनमें ऑयल तेल जाता है, इन्हें टैंकर्स कहते हैं। ये बहुत बड़ी शिप्स होती हैं, इन्हें कंटेनर शिप्स कहते हैं। बोट्स का इस्तेमाल स्पोर्ट्स में भी होता है। फिशरमैन फिशिंग के लिए बोट्स यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं। कैन यू सी इन द पिक्चर सम बोट्स दैट हैव नो इंजन, हाउ डू दे मूव? यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी बोट्स होती हैं जिनमें इंजन नहीं होता, वो कैसे चलती हैं? उनको चलाने के लिए, ये देख सकते हैं आप, इनको चलाने के लिए चप्पू का इस्तेमाल किया जाता है। आप फेरी लोगों को और सामान को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आ स्पीड बोट, आ लग्जरी लाइनर, आ सेलिंग बोट, एन ऑयल टैंकर, आ रोइंग बोट, ये आप देख सकते हैं। रोड सेफ्टी, थाउजेंड ऑफ पीपल लिव इन लार्ज सिटीज। पीपल हैव टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एडल्ट गो टू वर्क, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। ट्रैफिक इज ऑलवेज ऑन द मूव। रोड्स आर वेरी बिजी इन द मॉर्निंग व्हेन पीपल गो टू वर्क एंड इन द इवनिंग व्हेन दे गो होम। हजारों लोग बड़े शहरों में रहते हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जॉब के लिए, बच्चे स्कूल जाते हैं। ट्रैफिक हमेशा चलती है। सुबह रोड पर बहुत ज्यादा रश होता है। लोग जॉब के लिए जाते हैं, वर्कर्स काम के लिए जाते हैं, और शाम में जब वो वापस आते हैं तो उस वक्त भी रोड पर बहुत ज्यादा रश होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बिजी रोड है। इसमें आपको हर तरह की ट्रांसपोर्ट नजर आ रही है, बस, रिक्शास, कार, मोटरबाइक, सुजुकी। ये एक बिजी रोड है।
सुबह में और शाम में किसी भी मेन रोड पर बहुत ज्यादा रश होता है और हर तरह की ट्रैफिक वहां से गुजरती है, ये आप देख सकते हैं। एवरीवन ऑन द रोड, वेदर दे आर ड्राइविंग, राइडिंग मोटरसाइकिल्स और बाइसाइकिल्स और वर्किंग, मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। दीज रूल्स आर मेड टू कीप एवरीवन सेफ एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। Traffic rules are set out in a book called the Highway Code. Breaking traffic rules is punishable by law. इन सब को जो रोड पर ड्राइविंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या पैदल चलते हैं, इन्हें ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स जिस बुक में लिखे हैं, इसे हाईवे कोड कहते हैं। जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, इन्हें ट्रैफिक रूल्स के कानून के मुताबिक पनिश किया जाता है। पीपल हु वॉक अलोंग अ फुटपाथ आर पेडेस्ट्रियन। व्हेन यू वॉक टू स्कूल, यू आर अ पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन हैव टू बी वेरी केयरफुल। वो लोग जो फुटपाथ पर चलते हैं, इन्हें पेडेस्ट्रियन कहते हैं। जब आप पैदल स्कूल जाते हैं तो आप पेडेस्ट्रियन हैं। इन्हें बहुत एहतियात से चलना चाहिए जो रोड पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बुक वर्क एक्सरसाइज ए, नेम द फॉलोइंग। यहाँ कुछ व्हीकल्स के नेम दिए गए हैं, हमें गेस करना है और इसे लिखना है। नंबर वन, अ व्हीकल विद टू व्हील्स एंड एन इंजन डैश। एक व्हीकल जिसके दो पहिए और एक इंजन होता है, मोटर बाइक। नंबर टू, अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फ्लाइज एंड कैन कैरी मैनी पीपल डैश। ऐसी ट्रांसपोर्ट जो फ्लाई करती है, उड़ती है और लोगों को लेके जाती है, एरोप्लेन। नंबर थ्री, अ व्हीकल पुल्ड बाय अ हॉर्स डैश। व्हीकल जिसके आगे हॉर्स लगा हुआ होता है, उसे टोंगा कहते हैं। डैश में लिखेंगे आ टोंगा। नंबर फोर, अ व्हीकल्स विथ थ्री व्हील्स एंड एन इंजन डैश। व्हीकल जिसके तीन पहिए और एक इंजन होता है, तो डैश में लिखेंगे ऑटो। नंबर फाइव, अ व्हीकल यूज्ड बाय फार्मर्स टू कैरी गुड्स एंड टू पुल प्लॉव थिंक हार्ड डैश। व्हीकल जो फार्मर यूज करते हैं सामान ले जाने में और खेती बाड़ी के लिए, डैश में लिखेंगे अबुल्लो कार्ट। एक्सरसाइज बी, विच कैन गो द फास्टेस्ट, पुट दीज इन ऑर्डर। इसमें सबसे ज्यादा तेज फास्ट कौन सा व्हीकल चलता है, कौन सी गाड़ी चलती है, वो हमें लिखना है सीक्वेंस से। यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम उसे सीक्वेंस से लिखेंगे। तो नंबर वन स्कूटर, नंबर टू बस, नंबर थ्री कार, नंबर फोर बाइसाइकिल, नंबर फाइव टोंगा, नंबर सिक्स बुल्लो कार्ट। एक्सरसाइज सी, हेयर आर सम रोड सेफ्टी सिचुएशंस। यहाँ पर कुछ रोड सेफ्टी की सिचुएशंस हैं। पुट अ टिक अगेंस्ट दोस विच यू थिंक आर सेफ। अगर आपको लगता है जो ठीक हैं उन पे आप टिक करेंगे। पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोस विच आर नॉट, और जो तरीके रॉन्ग हैं उनके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। नंबर वन, क्रॉसिंग द रोड फ्रॉम बिहाइंड अ व्हीकल्स। गाड़ी के पीछे से रोड क्रॉस करनी चाहिए, रॉन्ग है ये, क्रॉस लगाएंगे। नंबर टू, वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे चलना, टिक लगाएं। नंबर थ्री, क्रॉसिंग द रोड इन अ हरी, तेजी से रोड क्रॉस करना, रॉन्ग है, इस पे क्रॉस लगाएं। नंबर फोर, गेटिंग ऑन द मूविंग बस, चलती हुई गाड़ी पे सवार होना, रॉन्ग है, इस पे क्रॉस लगाएं। नंबर फाइव, प्लेइंग ऑन और नियर अ रोड, रोड पर और रोड के नज़दीक खेलना, रॉन्ग है, इस पे क्रॉस लगाएं। नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज डी, You should cross the road at a zebra crossing. Do you know what it look like? Draw and color one in the space below. आपको हमेशा चाहिए कि zebra crossing से road cross करें। क्या आप जानते हैं zebra crossing किस तरह की होती है? यहाँ आपको space दी गई है, यहाँ पर आपने zebra crossing draw करनी है। आपको पता है zebra crossing जो है black and white lines होती हैं जो road पर होती हैं क्रॉसिंग के लिए, वो आपने इस स्पेस में ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका बुक वर्क कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉपी वर्क. वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड टर्म वीकली होमवर्क असाइनमेंट नंबर 14 क्लास 3 सोशल स्टडीज. टास्क नंबर 1 रीड यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड मेक अ टाइटल पेज. टास्क नंबर 2 वर्ड्स मीनिंग. टास्क नंबर 3 चूज द करेक्ट आंसर. टास्क नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टास्क नंबर 5 बुक वर्क. टास्क नंबर 6 एक्टिविटी. टास्क नंबर 1 एंड 2. टास्क नंबर 1 रीड यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड मेक अ टाइटल पेज. सबसे पहले आपने रीड करना है यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 7 ट्रांसपोर्ट और उसके बाद आप इस चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे. टास्क नंबर 2 राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपको मीनिंग लिखने हैं. तो सबसे पहले हम टाइटल पेज बनाएंगे यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 7 ट्रांसपोर्ट. डेट मेंशन करेंगे यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 7 और वर्ड्स मीनिंग के लिए कॉलम बनाएंगे. पेज तैयार करेंगे. वर्ड्स मीनिंग व्हीकल्स गाड़ियाँ सवारी ट्रैवल सफ़र करना डिस्टेंस फासला गुड्स सामान लेक झील बोट कश्ती फिशिंग माहीगीरी पावरफुल ताकतवर पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाले वे रास्ता. टास्क नंबर 3 चूज द करेक्ट आंसर्स. नंबर वन ट्रैवलिंग बाय एयर इज द डैश वे टू गो एनीवेयर. ऑप्शन स्लोएस्ट फास्टेस्ट शॉर्टेस्ट. फास्टेस्ट पे टिक लगाएं. नंबर 2 व्हीकल्स दैट ट्रैवल अलोंग द ग्राउंड हैव डैश. ऑप्शंस व्हील्स शूज फुट. व्हील्स पे टिक लगाएं. नंबर 3 शिप्स दैट कैरी ऑयल आर कॉल्ड डैश. ऑप्शंस बस एरोप्लेन टैंकर्स. टैंकर्स पे टिक लगाएं. नंबर 4 ऑलवेज क्रॉस द डैश एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ऑप्शंस रिवर स्ट्रीट रोड. रोड पे टिक लगाएं. नंबर 5 ऑलवेज वॉक ऑन द डैश. ऑप्शन रोड फुटपाथ हाईवेज. फुटपाथ पे टिक लगाएं. टास्क नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज अ टैंकर कैरी. द आंसर इज अ टैंकर कैरीज ऑयल एंड फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज अ फेरी यूज्ड फॉर. द आंसर इज अ फेरी कैरीज पीपल एंड गुड्स अक्रॉस अ रिवर और अ वाटर चैनल. क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग. द आंसर इज ट्रैवलिंग बाय एयर इज द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल. क्वेश्चन नंबर 4 हु आर पेडेस्ट्रियंस. द आंसर इज पीपल हु वॉक अलोंग अ फुटपाथ आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियंस. क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई आर ट्रैफिक रूल्स इम्पोर्टेंट. वेयर विल यू फाइंड द ट्रैफिक रूल्स. द आंसर इज ट्रैफिक रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आर सेफ्टी एंड फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स. दे आर गिवन इन द हाईवे कोड. नेक्स्ट टास्क नंबर 5 एंड 6 बुक वर्क. एक्सरसाइज ए बी सी डी डन इन बुक. यह हम बुक में कर चुके हैं. टास्क नंबर 6 एक्टिविटी. टास्क नंबर 6 एक्टिविटी मेक अ लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस. आपको एक लिस्ट बनानी है पेडेस्ट्रियंस के लिए. हेयर आर सम रूल्स फॉर ऑल पेडेस्ट्रियंस. फॉलो द रूल्स एंड दे विल हेल्प यू टू कीप सेफ. यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए. आप इन रूल्स को फॉलो करें जिससे आप सेफ रह सकते हैं. नंबर 1 ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग और अ सेफ प्लेस. हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करें या किसी सेफ प्लेस से जहाँ ट्रैफिक ना हो. नंबर 2 बिफोर क्रॉसिंग अ रोड फर्स्ट लुक राइट. नंबर 2
Before crossing a road, first look right, then look left, look right again. Listen carefully. If there is no traffic coming, cross the road. Road cross करने से पहले सीधी तरफ देखें, फिर बाएं तरफ देखें. गौर से सुने. अगर ट्रैफिक नहीं आ रही तो रोड क्रॉस करें. नंबर 3, व्हेन यू वांट टू क्रॉस अ रोड, मेक श्योर यू कैन सी बोथ वेज. डू नॉट क्रॉस फ्रॉम बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल. जब आप रोड क्रॉस करें तो आप दोनों तरफ देखें. नंबर 3, व्हेन यू वांट टू क्रॉस अ रोड, मेक श्योर यू कैन सी बोथ वेज. Do not cross from behind a parked vehicle. जब आप रोड क्रॉस करें तो आप दोनों तरफ देखें. खड़ी हुई गाड़ी के पीछे से रोड क्रॉस नहीं करें. नंबर 4, never play on or near a road. रोड के करीब या रोड पर नहीं खेलें. नंबर 5, never try to get on a moving vehicle. कभी भी चलती गाड़ी पर सवार होने की कोशिश ना करें. नंबर 6, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक क्लोज टू द साइड ऑफ द रोड. हमेशा फुटपाथ पर चलें और अगर फुटपाथ ना हो तो साइड पर चलें. ओके स्टूडेंट, इन रूल्स पर अमल कर आप अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल कर सकते हैं. आपको चाहिए कि आप इन रूल्स को फॉलो करें. नेक्स्ट हम इंडेक्स बनाएंगे. सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे. यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 7, ट्रांसपोर्ट, वर्ड स्पिनिंग, चूज द करेक्ट आंसर्स, क्वेश्चन आंसर 1 to 5, बुक वर्क एंड एक्टिविटी, पेज मेंशन करेंगे. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. मुझे यकीन है आपको ये होमवर्क असाइनमेंट समझ में आ गया होगा. अच्छे तरीके से अपना काम करें. स्टूडेंट, ये आपकी स्कूल की वेबसाइट है www.asylearning.pk. आप इस वेबसाइट पे विज़िट करके अपने होम असाइनमेंट मुकम्मल कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.